हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड द योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। तो गाइस, मैं आपसे आशा करूंगा आप इस वीडियो का एंड तक देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, कई बार जैसे आपने देखा होगा, डॉग का जो एब्डोमन होता है, डॉग का जो पेट होता है, उसके अंदर कई बार फ्लूड या पस भर जाती है। तो गाइस, वो बीमारी कौन सी है, क्या उसका नाम है, वो होती कैसे है, यानी क्या उसके कारण है, साथ में उसके सिम्टम क्या है, क्या डायग्नोसिस रहेगा और उसका एक पर्टिकुलर क्या एक ट्रीटमेंट रहेगा और हमें उसका प्रिवेंशन कैसे करना है, आज की वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली ये बताने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपकी नॉलेज को 100% इम्प्रूव करने वाली है। तो गाइस, इस बीमारी को बोलते हैं एसाइटिस। तो गाइस, जो एसाइटिस नाम की जो बीमारी होती है, इसका मतलब यही होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड इन द एब्डोमिनल, जिसको हम बेसिकली स्टमक एरिया भी बोल सकते हैं, वहाँ अगर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे फोटोग्राफ नजर आ रही होगी, जैसे इस डॉग के जो एब्डोमन जो एरिया होता है उसके अंदर फ्लूड भर गया है, तो गाइस ये एक टाइप का एसाइटिस ही है। तो गाइस, ये डॉग के साथ साथ कैट के अंदर भी हो सकती है, बिकॉज ये कॉमन एक कंडीशन होती है जो किसी भी वजह से हो सकती है। तो गाइस, वीडियो का मेन टॉपिक है यानी हमारे सिम्टम से ही हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो डॉग है इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गाइस, सबसे पहले तो जैसे आप फिजिकली ऑब्जर्व करोगे, जो बेली होती है बहुत ही ज़्यादा आपको मोटी मोटी नज़र आएगी। थोड़ा उसके ऊपर प्रेस करके देखोगे, आपको जैसे बैलून टाइप जो स्ट्रक्चर नहीं होता, अगर हम बैलून में पानी भर दें तो ऐसा लगता है कि आपको, हाँ इस ये फूला हुआ है, तो वो पानी की वजह से, ऐसा ही इसके अंदर भी होता है, आप चेक कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर आपका जो डॉग है वॉमिटिंग भी कर सकता है, कई बार आपको लूज मोशन भी देखने को मिलते हैं और यूरिनेशन करता है, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली करेगा, यानी कई बार जैसे अभी कर दिया और उसका थोड़ा सा कलर भी आपको चेंज मिलेगा, यानी थोड़ा सा आपको येलोविश भी मिल सकता है। एनोरेक्टिया की कंडीशन आ जाएगी, मीन्स हम एनोरेक्टिक उसे बोल सकते हैं, यानी उसको एपेटाइट नहीं लग रही है, यानी उसकी भूख में बहुत ही ज़्यादा जो ग्राफ होता है वो डाउन चला गया है। लेथर्जी कंडीशन आ गई है, वेट लॉस हो गया है आपके डॉग का, जैसा कि स्क्रीन पे फोटोग्राफ नजर आ रही होगी, वीकनेस हो गई है, और साथ में गाइस जब हम उसको लेटाते हैं तो एक ग्रोइनिंग की एक नॉइस आती है, यानी जिसे हम बेसिकली बोलते हैं ना, थोड़ी सी कर्राने की एक आवाज़ सी आती है। आपका जो डॉग है बहुत ज़्यादा वो पेन सिचुएशन में है, आपका डॉग स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा, और साथ में कई बार तो हमने इसके अंदर फीवर भी देखने को मिलता है, फीवर भी हाई फीवर आपको देखने को मिल सकता है, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। और गाइज, आपका डॉग का अगर बैली ही ज़्यादा स्वेल हो चुकी है तो वो मूव करना बंद कर देगा, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उसको मूवमेंट करने में। साथ में गाइस, बैली तो इंक्रीज हुई है, लेकिन गाइस जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, जो टेस्टिकल्स जो होते हैं हमारे मेल जो डॉग के, वो भी स्वेलअप कर चुके हैं। तो गाइस, ये भी एक एसाइटिस की वजह से ही है। तो गाइस, जो पेरिटोनाइटिस होती है वो एसाइटिस होती है। तो गाइस, ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आता है। तो जब हम पेरिटोनाइटिस के बारे में बताएंगे तब वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डाउट्स को क्लियर कर देगी। देखिए गाइस, डीपली नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, ताकि गाइस आप गलती ना करो, अपने डॉग के लिए इमीडिएटली नियर बाय वेट से उसका एक अच्छा एक ट्रीटमेंट करवाओ। तो गाइस, अब हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपके डॉग के अंदर ऐसा हुआ। तो गाइस, सबसे पहले तो किसी भी टाइप से फ्लूड जो है आपके डॉग की बॉडी उसके अंदर फिल हो सकता है, यानी अगर एब्डोमन में फ्लूड फिल हो गया तो उसको हम एडिमा भी बोल देते हैं। साथ में गाइस, अगर आपके डॉग की इंटरनल एब्डोमन एरिया में ब्लीडिंग हो रही है तब ऐसा हो सकता है, एब्डोमिनल कैंसर है तब ऐसा हो सकता है, अगर इन्फ्लामेशन है, जो लाइनिंग होती है एब्डोमिनल कैविटी, अगर उसमें इन्फ्लामेशन है यानी स्वेलिंग है तब ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, लीवर डैमेज है तब ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, साथ में अगर आपके जो ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल कम है, जिसको हम हाइपोप्रोटीनीमिया भी बोल देते हैं, अगर वो सिचुएशन है तब भी आपका डॉग ऐसी कंडीशन में आ सकता है, हार्ट डिजीज़ है यानी हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा, तो गाइस इस वजह से भी आपका डॉग को एसाइटिस नाम की कंडीशन से सफ़र कर पड़ना सकता है, यानी गाइस बेसिकली एक हार्ट से ही रिलेटेड है ये। और गाइस, इसके अंदर राइट साइड कंजेस्टिव फेलर आपको देखने को मिलता है, जो गाइस इसको मैं डीपली आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज गाइस आप समझ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये कुछ चीज़ें हैं। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, तो गाइस स्पेशली घर रहते आपको बिल्कुल भी डायग्नोस नहीं करना है उसका, इमीडिएटली नियर बाय वेट के पास जाएं, उनकी कंसल्टेशन पाके, तो गाइस आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, आपको सीबीसी यानी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, साथ में आपको यूरिन टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, और गाइस एक्सरे भी करवाना पड़ेगा। एक्सरे से गाइस ये पता चल जाएगा कि कहीं हार्ट ऐसा वर्क तो नहीं कर रहा, यानी जो वेंट्रल जो रीजन होता है उसका एक्सरे हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या
इफेक्ट हुआ है, कहीं हर्ट से ही पस फिल्ड तो नहीं हो रहा या जो फ्लूड फिल्ड तो नहीं हो रहा है एब्डोमन में। और गाइस साथ में यूरिन से आपको पता चल जाएगा कि यूरिन की जब रिपोर्ट आएगी आपके जो डॉग का जो येलोविश या येलो कलर का जो आ रहा है, कहीं उसको लीवर डिजीज ना हो या कोई किडनी डिजीज ना हो, ऐसा कुछ देखने को मिला है। और साथ में ही गाइज ब्लड टेस्ट तो गाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि कितना प्रोटीन लेवल है, कितना नहीं है, कितने TLC हैं, कितने जो हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो आपके वेट क्या करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। तो गाइज कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स होती हैं, तो गाइस वही किया जाएगा, बिकॉज गाइस इस सिचुएशन के अंदर एसाइटिस में ब्लड के अंदर कई बार इंफेक्शन देखने को हमें मिलता है, तो उस इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, कुछ टैबलेट्स की फॉर्म में मेडिकेशंस देनी पड़ेंगी, जो पस को सुखाने के लिए होती है कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगेंगे, साथ में फ्लूइड थेरेपी भी लगती है, और गाइस एब्डोमिनल स्ट्रेस को बचाने के लिए कुछ इंजेक्शन लगते हैं जो इंट्रावेनस भी लगते हैं, और साथ में कुछ इंजेक्शन IM यानी जिसे हम इंट्रामस्कुलर भी बोल सकते हैं, वो आपके डॉग के अंदर इंजेक्शन लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट जो चलता है आपके डॉग का 5 से 6 दिन तक चलता है। 5 से 6 दिन में अगर प्रॉपर एक रिजल्ट आपको मिल रहा है, तब गाइस आप एक अच्छा एक रूटीन फॉलो कर रहे हो और अच्छा उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो। लेकिन गाइस अगर आपने बीच में एक भी दिन मिस कर दिया, तो गाइस आपके जो पहले जो 2-3 दिन आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा। तो गाइस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करना, आपका डॉग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकता है और आप भी पड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली भी लॉस होता है। तो गाइस कई बार हम बोल देते हैं कि कितना मर्जी पैसा लग जाए मुझे अपना डॉग को बचाना है, तो गाइस आपको सेविंग करनी है। सेविंग कैसे करनी है, आपको अपने डॉग की लाइफ भी बचानी है और लो बजट में आपको वो काम भी करवाना है। तो गाइस आपको रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी। तो गाइस मैं आपसे आशा करता हूं आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको नॉलेज हो गई होगी कि एसाइटिस क्या होती है। जो गाइस मैंने वीडियो में एक टर्म का नाम लिया था पेरिटोनाइटिस, तो गाइस इसके लिए हम एक अलग एक स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जो आपको गाइस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लेट है बट गाइस आ गई है, तो गाइस जरूर आप इसे वॉच करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।